राइट हेलो यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अभी तबीयत थोड़ा ठीक हुई है तो मैं अब अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार वाला मौसम चल रहा है और आपके एग्ज़ाम्स एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अपनी सेहत का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। इसकी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारी जो यूनिट चल रही है वो है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस यूनिट को हम 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं, 2 पार्ट इसके भी ऑलरेडी हो चुके हैं। यूनिट 3 का लास्ट पार्ट यानी कि 3rd पार्ट बचा हुआ है। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में? फर्स्ट वाला जो पार्ट था, हमने उसमें डिस्कशन किया था क्या फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक प्रेशर, व्हाट इज डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यू नो पार्ट 1 में, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने यहां से डिस्कस किए थे। जो इसका सेकेंड पार्ट था यूनिट 3 का, उसमें हमने डिस्कस किया था पास्कल लॉ और इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था हमने कॉन्टिन्यूटी का, और हमने पास्कल लॉ के ऊपर भी न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन हमने ड्राइव किया और यहाँ से भी हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, क्योंकि सिलेबस में आपके बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि अभी जब क्वेश्चन पेपर देखा होगा उन्होंने, अभी इसके 2 ही पेपर अवेलेबल हैं क्योंकि नया सब्जेक्ट है और 2 बारी पेपर हुआ है 2020-21 में और 21-22 में, तो 2 पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आया यहाँ से प्रेशर का, वो भी कितने नंबर में, केवल 2 मार्क्स में। तो पेपर देख करके आप ये अंदाजा लगाएंगे, पेपर को देख करके ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में शायद न्यूमेरिकल नहीं है क्या, लेकिन आप देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं। भाई अभी 2 बार तो पेपर हुआ है ना, तो न्यूमेरिकल्स कम आए हैं ये एक अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिकल का अभी एग्जाम हुआ था ऑड सेम में लेटेस्ट, कि इलेक्ट्रिकल में जो है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ गए, बहुत बच्चों की जो है बैक लग गई, है ना, वो थ्योरी पढ़ के गए थे। अपना टारगेट रहता है 90+, है ना, अपना टारगेट क्या रहता है, वो रहता है 90+, ठीक है। तो हमको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, हमको थ्योरी भी करनी है, हमको डेरिवेशंस भी करने हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, पास्कल लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। आज का जो 3rd पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 3rd में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन्स एंड हाइड्रोलिक पंप्स और उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। टर्बाइन और पंप को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानकर के चलिए उम्मीद करते हैं कि 20+ मार्क्स का यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो अगले 40 से 50 मिनट में मैं ये टॉपिक को फिनिश करूँगा और आप मेरे साथ बने रहिए 40-50 मिनट तक। ये पूरे का पूरा टॉपिक हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक टर्बाइन, एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके दिमाग में छापने की कोशिश करूंगा, आप उसको एज इट इज अपने एग्जाम में छाप करके आ जाना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं इस चैनल पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल, सभी सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है ना, ओवरऑल आपका किस तरह का चल रहा है प्रिपरेशन, क्या चल रही है आपकी, तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम पहले लेकर के आए। राइट, तो समझेंगे सबसे पहले यहां पर कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होते हैं। चलिए देखो, हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या फिर इसका उल्टा कर दें, वो मशीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, वो साफ साफ इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एक और बात मैं बताता चलूँ आपको, ये जो आपकी PDF हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हालांकि वन शॉट वीडियो की जो PDF हैं वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रखी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, कुछ टॉपिक्स इसमें और ऐड किए हैं और लैंग्वेज को और सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स विच कन्वर्ट either hydraulic energy into mechanical energy or mechanical energy into hydraulic energy। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, what is hydraulic energy and what is mechanical energy? Energy possessed by water is known as hydraulic energy। भाई एक water को एक height पर अगर आपने रखा हुआ है, water एक height पर आपने reserve किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगी, एक energy होगी उसके अंदर। जितनी height ज़्यादा होगी water की, आपने सुना होगा ना dam वगैरह का, आगे दिखाऊंगा मैं हर एक चीज़ को animation के साथ आपको समझाने वाला हूँ। जितनी ज़्यादा height तक water होगा उसकी hydraulic energy उतनी ज़्यादा होगी। What is mechanical energy? The power produced at the shaft of the turbine। कोई भी शाफ्ट अगर है, कोई भी शाफ्ट अगर है और वो रोटेट कर रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ध्यान रखना। शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है तो कौन सी एनर्जी है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं, राइट। देखिए इस एनिमेशन को एक बार देख लीजिए और आगे का जितना भी हमारा टॉपिक्स आने वाले हैं, यू नो, बिल्कुल आपको इसी से समझ में आ जाएंगे, है ना। ये समझने के लिए है, बनाने के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया अभी कि वाटर को आप अगर रिजर्व कर लेते हैं एक हाइट तक डैम के थ्रू, यहाँ पर आप देखिए ये डैम बना हुआ है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये वाटर एक हाइट तक हमने इकट्ठा कर लिया, तो इसके पास क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी है। और इस हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है हमको, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर जनरेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ से वाटर आएगा, यू नो हाई वेलोसिटी से यहाँ से वाटर आएगा, और ये वाटर जो है यहाँ पर देखिए स्ट्राइक करेगा, इस तरह की एक शाफ्ट लगी हुई है यहाँ पर टर्बाइन की शाफ्ट, वहां से वाटर आएगा, टरबाइन के शाफ्ट यहां पर लगी हुई है, तो यहां पर क्या लगा रहेगा, एक टरबाइन लगा होगा, तो टरबाइन पे इस तरह से वाटर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स पर, तो ये ब्लेड्स क्या करेंगे, इस तरह से ब्लेड्स रोटेट करेंगी, और ब्लेड्स कहां पर लगे हुए हैं, शाफ्ट के ऊपर, तो ये शाफ्ट क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, आगे दिखाऊंगा अभी आगे, शाफ्ट क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। देखो शाफ्ट रोटेट कर रही है कि नहीं, और शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है तो कौन सी एनर्जी मिल रही है आपको, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिल रही है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या हुआ यहां पर, वाटर की जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी, वाटर की जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, वाटर की जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट होगी आपकी किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। इस वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी, क्योंकि ये वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन की शाफ्ट, जो ब्लेड्स लगे हैं, तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। किसने कन्वर्ट किया, टरबाइन ने। तो टरबाइन क्या हो जाएगी, टरबाइन एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइन ऐसी हाइड्रोलिक मशीन होती है जो क्या करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देखो यहां पर जब टरबाइन की शाफ्ट ये रोटेट कर रही है ना, ये टरबाइन की शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसी शाफ्ट से हमने कपल कर दिया जनरेटर के शाफ्ट को, किसके शाफ्ट को, जनरेटर के शाफ्ट को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, इसको कपल कर दिया, तो जनरेटर क्या करेगा, इस टरबाइन के शाफ्ट से जो हमको मिल रही थी मैकेनिकल एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन, जनरेटर। तो जनरेटर ने क्या करा, इस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक पावर आपको यहां से मिल गई। अब यहां पर ट्रांसफार्मर लगाइए, है ना, ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में यूज कीजिए, AC, कूलर, फैन कुछ भी चलाइए, है ना, किसी डोमेस्टिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब है जब आप वाटर की हेल्प से, सीधा वाटर की हेल्प से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो वाटर की हेल्प से, तो उसको बोला जाता है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे जो टरबाइन होते हैं ना, टरबाइन बेसिकली क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। जो लोग मेरठ के हैं वहां पर आपने देखा होगा, भोला की झाल एक जगह है, वहां पर एक टरबाइन लगी हुई है, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है। यहां से वाटर आ रहा है,
है ना, ये वाटर इस पर स्ट्राइक करेगा तो टर्बाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जनरेटर की हेल्प से वो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ हाइड्रोलिक मशीन्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है, हाइड्रोलिक मशीन्स कितने टाइप्स की हो जाएगी बच्चों? हाइड्रोलिक मशीन्स एक तो टर्बाइन होगी और दूसरा क्या होगा, पंप होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भाई ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसका नाम क्या होता है, टर्बाइन। तो हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड एज टर्बाइन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार आप रीड करेंगे आप भूलेंगे नहीं, आप भूल नहीं सकते, ठीक है। इसका उल्टा कर दें, जैसे यहां पर आप देखेंगे ना टर्बाइन, यहां पर देखिए यहां से वाटर आएगा, तो वाटर आएगा तो यहां पर हाई वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा, यहां पर ये ब्लेड्स हैं, मैंने बोला था अभी टर्बाइन की जो शाफ्ट होती है वहां पर क्या लगे थे, ये शाफ्ट है टर्बाइन की, ये टर्बाइन की शाफ्ट है, यहां पर देखिए एक सीरीज लगी हुई है ब्लेड्स की। तो जब यहां वाटर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये ब्लेड्स इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये जो रनर लगा हुआ बताऊंगा आगे रनर क्या होता है, ये रोटेट करेगा, तो टर्बाइन की जो शाफ्ट है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, यानी कि क्या मिल गया आपको, मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर से हम क्या करेंगे, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बल्ब आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायग्राम आपको ये समझाने के लिए था, इसको डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, पंप बताया, कौन सा क्या बताया मैंने आपको, पंप। पंप इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यहां पर, देखिए जरा यहां देखिए, ये तो आप घर में लगा रहता है ना पंप इस तरह का, तो ये पंप क्या करेगा, जो शाफ्ट है, सबसे पहले क्या करते हो आप, मोटर को ऑन करते हो, बोलो यस और नो। जैसे आप मोटर को ऑन करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी खर्च होगी, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, बोलो यस और नो। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि जो आपकी जो मोटर है वो ये जो पंप लगा हुआ है इस पंप की शाफ्ट को रोटेट कराएगी, बोलो यस और नो। अरे मैंने बोला था आपको जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आपने घर के अंदर मोटर का स्विच ऑन किया पंप चलाने के लिए, वाटर आपको टैंक भरना है, अपनी छत का टैंक भरना है जो ऊपर रखा है वाटर टैंक, आपने मोटर ऑन किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि पंप की जो शाफ्ट है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये काम किसने करा, मोटर ने किया, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी पहले, मैकेनिकल एनर्जी में। कौन करेगा इस काम को, मोटर जो आपके घर में लगा हुआ है, बिजली का बिल आता है कि नहीं। अब ये जो पंप है, ये जो पंप लगा हुआ है, ये पंप क्या करेगा, वाटर को लो हेड से हाई हेड, नीचे से आपके जो छत पर रखा हुआ है टैंक वहां पर लेके गया, तो आप ये जो मैकेनिकल एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोलिक एनर्जी में। अब जिसके दो फ्लोर हैं वो कम हाइड्रोलिक एनर्जी रहेगी उस वाटर के अंदर, उस टैंक के अंदर, और ज्यादा ऊपर तक ले जाओगे आप, चार फ्लोर के ऊपर ले जाओगे, छत पर रखा हुआ है चार फ्लोर के बाद टैंक, तो उसमें क्या होगा, वाटर की और ज्यादा एनर्जी उसके अंदर आएगी। तो किसने करा ये काम, पंप ने करा, ठीक है, किसने करा ये काम, पंप ने करा। एक बार मैं कंक्लूड कर दूं इसको, है ना, देखो एक बार कंक्लूड कर देते हैं, टर्बाइन को समझेंगे पहले, टर्बाइन में क्या होता है पूरा समझेंगे। तो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ये काम किसका है, टर्बाइन का। इस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। अब इसका आपने उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। तो पंप और टर्बाइन एक दूसरे की उल्टी डिवाइस होती है। ये जो टर्बाइन है यहां से पावर मिलती है हमको, ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जबकि जो पंप है आपके घर में भी जो पंप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें हो जाएगी, मैकेनिकल। कौन करेगा इस काम को, मोटर। और इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें हम लोग, हाइड्रोलिक एनर्जी में। कौन करेगा इस काम को, पंप करेगा। तो हमको बेसिकली इससे मतलब है टर्बाइन से, इस पोर्शन से मतलब है टर्बाइन से, है ना। टर्बाइन ने हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और पंप ने मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारा जो फोकस है वो हाइड्रोलिक टर्बाइन पे है और हाइड्रोलिक पंप में है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, दिक्कत होगी नहीं पहली बात तो। बस आप सुनते जाओ, आप सुनते जाओ, दिमाग में आपके छपते जाएगा और एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको रिवाइज कर लेना और एग्जाम में जा करके छाप देना, ठीक है। चलो तो टर्बाइन होता क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्बाइन्स आर डिफाइंड एज यू नो दोज मशीन्स विच कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाएंगे विच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन। ये जनरेटर के शाफ्ट
टरबाइन के शाफ्ट से डायरेक्ट कपल हो जाती है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लिखा है मैंने यहां पर द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और जो प्लांट होता है क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यस और नो? चलो, तो ये हमारा जनरल लेआउट, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था, क्या कोई दिक्कत है इसको समझने में? अगर आपको कुछ ऐसा बनाने के लिए आ जाए तो सिंपल सा डायग्राम है, 2D में आप बना दीजिएगा। समझ लेते हैं एक बार जरा इसको। यहां पर देखिए, ये है डैम, है ना? ये है क्या? डैम। नाम सुना भी होगा, नाम इसका सुना भी होगा आपने डैम का। यस और नो? सुना है कि नहीं सुना है बोलो? डैम। तो डैम ने ये एक सीमेंट कंक्रीट का मतलब एक कंस्ट्रक्शन करा जाता है इसका। यहाँ पर वाटर को एक बहुत यू नो हाइट तक इसको इकट्ठा किया जाता है वाटर को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है वाटर, यहाँ पर क्या है? ये वाटर है। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए टर्बाइन लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है? टर्बाइन लगी हुई है। ये टर्बाइन की शाफ्ट है, ये टर्बाइन की क्या हो गई? शाफ्ट हो गई। यहाँ पर देखिए एक पहिया, एक व्हील लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? एक व्हील लगा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं क्या? रनर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है रनर। आगे आएगा फिर से, क्या बोलेंगे इसको? रनर। रनर के ऊपर ये एक सीरीज होती है ब्लेड्स की, जिसको हम वेन्स भी बोल सकते हैं, वेन्स बोल सकते, या इसको आप सॉरी ब्लेड्स बोल सकते हो। ये देखिए आप, ये देख रहे हो, ये सीरीज है पूरी, पूरी ब्लेड्स लगी हुई है यहाँ पर इस पहिए के ऊपर। तो इसको आप वेन्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? बकेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बकेट्स बोलेंगे। ठीक है, या ब्लेड्स बोल सकते हैं। अब देखिए इस शाफ्ट को, हमारा पर्पस क्या है? इस शाफ्ट को क्या करना है? रोटेट कराना है। तो हमको मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी और फिर तो जनरेटर लगा दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो इस शाफ्ट को रोटेट कैसे कराना है? तो ये ब्लेड्स, ये रनर क्या कर जाए? रोटेट कर जाए इस तरह से। ये रोटेट कैसे करेगा? यहां से, जहां पर हमने वाटर को क्या करा है, इस वाटर को जहां पर हमने स्टोर किया हुआ डैम के पीछे, तो यहां से वाटर आएगा, यहां से वाटर आएगा और यहां पर स्ट्राइक करेगा वाटर। कहां पे? यहां पे देखो ध्यान से, ये आ रहा है वाटर, ये आ रहा है वाटर, यहां पर, यहां पर, यहां पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और हाई वेलोसिटी से यहां पर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स के ऊपर। तो यहां पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा वाटर की वजह से। तो ये क्या करेगा? टर्बाइन की शाफ्ट क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी। यही तो हमारा पर्पज है, यही तो हमारा पर्पज है। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक, मतलब डैम से वाटर को यहां तक लाने के लिए जो एक पैसेज लगा रहता है, जो एक चैनल यहां पर लगा हुआ आप देख रहे हो, जो एक पाइप लगा हुआ आप यहां पर देख रहे हो, उसका नाम क्या है? पेनस्टॉक। क्या नाम है इसका? पेनस्टॉक। तो आप लिख सकते हैं पेनस्टॉक के बारे में। तो पेनस्टॉक चैनल है, पेनस्टॉक एक पैसेज है, पेनस्टॉक एक पाइप है जो वाटर को कैरी करता है। कहां से? डैम से। कहां तक? टर्बाइन तक। टर्बाइन तक जो वाटर को कैरी करके लाता है उसको क्या बोलते हो आप? पेनस्टॉक बोलते हो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो लगी हुई एक नोजल। क्या लगी हुई यहां पर? एक नोजल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक नोजल लगी हुई है। नोजल क्यों लगाई गई? ये जो पाइप है, इस पाइप के एंड में एक नोजल हमने लगा दी, एक नोजल हमने लगा दी। क्यों लगाई ये नोजल? तो नोजल है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। नोजल का काम क्या होता है? ये वेलोसिटी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो वेलोसिटी अगर वाटर की इंक्रीज हो जाएगी तो हाई वेलोसिटी से वाटर यहां टकराएगा, हाई वेलोसिटी से वाटर टकराएगा तो टर्बाइन की जो शाफ्ट है, टर्बाइन हाई वेलोसिटी से रोटेट करेगी तो ज्यादा पावर आपको मिलेगी, ज्यादा एनर्जी आपको यहां पर मिलने वाली है। बोलो ये सर नो, सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? यस। तो नोजल का काम क्या हुआ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोजल? नोजल इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी। नोजल क्या करती है? वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, एक बार यहां पर देखो, ये बाद में काम आएगा आपके, एक बार समझना। नोजल जो है, इसकी अगर आप शेप देखेंगे नोजल की, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। मतलब इधर की तरफ जो एरिया है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहां पर अगर बना के देखूं मैं आपको, ये इस तरह का होता है नोजल। ठीक है, ध्यान रखना, नोजल इस तरह की होती है। इधर अगर फ्लो ये हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो एरिया है A1 मान लीजिए, यहाँ पर जो एरिया है वो A2 है। मान लीजिए ये पॉइंट वन है और ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कितना है? 2 है। तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा है। मतलब ये कह सकते हैं कि पॉइंट वन से टू की तरफ एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आप मुझे बता सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी? A1V1 = A2V2। यस और नो? तो A1 की वैल्यू कम है A2 से, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो V2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? V1 से ज्यादा हो जाएगी। तभी तो ऐसा बनाया गया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया नोजल का वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब नॉजल का जो काम है, नॉजल का जो काम है वो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, सॉरी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है ना, वेलोसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आप मुझे बताइए जरा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यस और नो? तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये कैसे पता लगा हमको? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। ए और वी का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू वॉट, अकॉर्डिंग टू वॉट? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अगर ये फ्लूड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो वाटर है यहाँ पे, तो वाटर तो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ए वी का जो प्रोडक्ट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और बर्नौली इक्वेशन क्या बताती है हमको, बर्नौली इक्वेशन बताती है क्या कि जो एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व है ना। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताती है आपको मास कंजर्वेशन पे बेस होती है ना, मास कंजर्वेशन। और जो आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन होती है, क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन। अब आप मुझे बताओ जरा, हमको ये तो पता लग गया कि नॉजल के अंदर क्या हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। बोलो यस और नो? अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन एनर्जी का जो सम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर आप मान लो कि जो नॉजल है ये कैसी है, ये हॉरिजेंटल है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो मान लीजिए दोनों तरफ एक बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपके पास दो एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तो इन दोनों का सम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। मान लिया कि दोनों तरफ हाइट क्या है, सेम है, हॉरिजॉन्टल है, तो अब दो एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ जरा नॉजल के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज रहेगी, इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अरे यार नहीं समझे, वेलोसिटी बढ़ गई है किसके अंदर, नोजल के अंदर, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोई तो एनर्जी होगी ना जो घटेगी, क्योंकि सम दोनों का क्या रहना है, कांस्टेंट, तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी। प्रेशर एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ, यहां पर जो नॉजल ये लगी हुई है ना, ये जो नॉजल है, इस नॉजल में वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा। बस इतनी सी बात आपको मैंने समझा दी है। इसमें थोड़ा सा समय मैंने इसलिए लिया आप लोगों का, क्योंकि आगे चल करके टर्बाइन में जब हम रिएक्शन टर्बाइन पढ़ेंगे, इंपल्स टर्बाइन पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए क्या, और कोई पॉइंट बचा इसमें? यस, मैंने आपको बता दिया कि ये तो हो गया डैम, यहाँ पर वाटर रिजर्व है, यहाँ से वाटर को जिस पैसेज के अंदर आता है उसको हम पेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो पेन स्ट्रोक वाटर को कैरी करके लाता है कहाँ तक, टर्बाइन तक। नॉजल का काम मैंने बता दिया, यहाँ पर वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। हाई वेलोसिटी से अगर ये वाटर स्ट्राइक करेगा तो टर्बाइन की शाफ्ट तेज रोटेट करेगी, हाई स्पीड से रोटेट करेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो निचले वाली लाइन है ये क्या दिखा रही है आपको, टेल रेस। यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, टेल रेस के थ्रू डिस्चार्ज, टेल रेस में क्या होगा, वाटर यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। भाई शाफ्ट रोटेट करती रहेगी, वाटर वहाँ से आता रहेगा और नीचे यहाँ पर डिस्चार्ज होता रहेगा, तो टेल रेस। और ऊपर देखो जहाँ तक ये फ्री सरफेस है वाटर का, वाटर का यहाँ पर क्या है, फ्री सरफेस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली जो हाइट होती है, टेल रेस है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जरा यहाँ पर लिखा हुआ है टेल रेस है ना, टेल रेस और हेड रेस के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज ग्रॉस हेड। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस हेड डिनोटेड बाय HG, ग्रॉस हेड उसको हम बोलेंगे। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर तो ग्रॉस हेड है, जितना ये हेड ज्यादा होगा उतनी हाइड्रोलिक एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने बताया था वाटर को जितना ज्यादा हाइट तक ले जाओगे उसके अंदर उतनी हाइड्रोलिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो जितना HG की वैल्यू, ग्रॉस हेड जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां से लेकर के यहां तक हमको वाटर को लेकर के आना है। अब आप मुझे एक बात बताना जरा, जब वाटर इसके अंदर आएगा तो वाटर और इस चैनल में क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो? तो यहां से जितना हेड यहां पे अवेलेबल था, जितना हेड यहां पर अवेलेबल था, क्या उतना हेड हमको यहां पर मिल पाएगा? क्या मान लीजिए यहां पर हेड कितना है, 100 मीटर है। बर्नौली इक्वेशन बताया था आपको, एनर्जी को हम हेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कितना है ये, 100 मीटर। तो क्या यहां पर ये 100 मीटर रह पाएगा टर्बाइन के इनलेट पर? नहीं, क्योंकि कुछ लॉसेस हो चुके होंगे। लॉसेस कहां पर हुए होंगे, कि फ्रिक्शन की वजह से वाटर और इस
पेन स्ट्रोक के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ होगा उसकी वजह से लॉसेस होंगे। मान लो यहां पर अगर 100 मीटर है तो लॉसेस कितने हो गए, मान लीजिए 10 मीटर के इक्विवेलेंट यहां पर लॉसेस हो गए, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर कितना बचेगा 90 बचेगा, उसको क्या बोलोगे आप, नेट हेड बोलोगे। कितना हो गया 90 मीटर, फॉर एग्जांपल कितना हो गया 90 मीटर। तो इतना देखो ये कितना, ये क्या था आपका, यहां तक तो था ग्रॉस हेड, ये यहां पर देखिए लॉसेस हो रहे हैं, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो यहां पर ये दिखा दी यहां पर लॉसेस, ठीक है, यहां पर दिखा दी हमने लॉसेस। तो हम लिख सकते हैं यहां पर जो ग्रॉस हेड होता है ना आपका एच जी, तो एच जी कितना हो जाएगा नेट हेड, दैट इज एच एन नेट, एच नेट लिख देते हैं, प्लस यहां पर देखिए लॉसेस को हमने दिखाया एच एफ से, किससे दिखाया यहां पर एच एफ से, तो जो ग्रॉस हेड है दैट इज इक्वल टू नेट हेड। नेट हेड का मतलब है जो हेड हमारे पास अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन के इनलेट पर जो हेड अवेलेबल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, दैट इज कॉल्ड नेट हेड, ठीक है। फ्रिक्शन हेड, इसमें अगर आपको नेट हेड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, नेट हेड आपके पास कितना था ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा नेट हेड मिल जाएगा। यही हेड जो है हमारा काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस, भाई ये वाला तो हेड है ना, यही तो हेड है जो टर्बाइन के शाफ्ट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बाकी तो लॉसेस हो गए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर मैंने आपको डैम बताया, पेन स्ट्रोक बताया, नेट हेड बताया, आपको हेड रेस बताया, ग्रॉस हेड आपको बताया, टेल रेस आपको बताया, ये टर्बाइन है और ये इसके वेन्स हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड कम है तो आपके पास तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देती है, स्पीड बढ़ा सकते हो, किसी को लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड कम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन मैंने आपको बताया क्या होता है, पंप मैंने आपको बताया क्या होता है, और इसका क्लासिफिकेशन सिलेबस में लिखा हुआ था। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन की, हाउ टू क्लासीफाई द टर्बाइन। जैसे हमने आईसी इंजन को क्लासीफाई किया था ना, याद आ रहा है, जिन लोगों ने यूनिट नंबर 2 की वीडियो देखी है, पढ़ रखी है जिन लोगों ने, उनको पता होगा आईसी इंजन को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स, ऑन द बेसिस ऑफ यू नो कौन सा उसके अंदर फ्यूल यूज होता है, सिलेंडर्स कितने हैं उसके अंदर, कौन सा साइकिल पे काम करता है, देयर आर नंबर ऑफ वेज। इसी तरह से टर्बाइन को क्लासिफाई करने के भी नंबर ऑफ वेज हैं। पहला जो बेसिस है क्लासिफाई करने का वो है यू नो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन के इनलेट पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल है उसके हिसाब से दो तरह के टर्बाइन होते हैं, फर्स्ट वन इज इंपल्स टर्बाइन एंड द अनदर वन इज रिएक्शन टर्बाइन। समझो इंपल्स टर्बाइन का मतलब क्या है, अगर टर्बाइन के इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन, ऐसे टर्बाइन को हम इंपल्स टर्बाइन के नाम से जानते हैं। पेल्टन टर्बाइन इसका एग्जाम्पल, याद रखना अभी पूछूंगा मैं आप लोगों से, पेल्टन टर्बाइन किसका एग्जाम्पल है, इंपल्स का या रिएक्शन का, पेल्टन टर्बाइन जो है वो इंपल्स का एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज रिएक्शन टर्बाइन, तो अगर टर्बाइन के इनलेट पर वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी, दोनों एनर्जी अगर अवेलेबल है, कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी अगर अवेलेबल हैं एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन, तो ऐसे टर्बाइन को हम रिएक्शन टर्बाइन के नाम से जानते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन और कैपलान टर्बाइन, ये किसके एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन टर्बाइन के एग्जाम्पल है। आप इसको कैपलान बोलिए, कापलान बोलिए, एक नेम है ये, है ना, वॉट एवर यू कॉल इट। जैसे कि कई लोग मुझे महेंद्र बोलते हैं, है ना, महेंद्र इस तरह से, तो इसलिए जो है आप इसको कापलान बोलिए, कैपलान बोलिए, है ना, एक नाम है ये साइंटिस्ट का। तो मैंने बताया आपको यहाँ पर कि कौन सी एनर्जी अवेलेबल है उसके हिसाब से दो तरह के टर्बाइन होते हैं, इंपल्स और रिएक्शन। अगर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो उसको हम इंपल्स टर्बाइन बोलेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी है तो ऐसे टर्बाइन को हम रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं। याद रखना पेल्टन टर्बाइन इंपल्स का एग्जाम्पल है ना, फ्रांसिस टर्बाइन और कैपलान टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ा जाए, ये तो हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल। आपसे पूछ लेगा दो नंबर में क्वेश्चन, क्या पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से एक बार डायग्राम देख लीजिए, वापस आते हैं। जैसे ये आपका एक टर्बाइन है, यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये जो शाफ्ट होगी टर्बाइन की है ना, ये हॉरिजेंटल शाफ्ट होगी टर्बाइन की, तो यहाँ पर टेंजेंशियली फ्लो कर रहा है, तो ऐसे टर्बाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। यहाँ पर रेडियली फ्लो हो रहा है ना, और यहाँ पर देखो वाटर जो है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है एक्सियली। तो डायरेक्शन क्या है वाटर के फ्लो होने की, उसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वाटर जो है वो टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है तो ऐसे टर्बाइन को हम बोलेंगे क्या, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, और पेल्टन टर्बाइन इसका एक एग्जांपल है। दूसरा, अगर रेडियली फ्लो हो रहा है वाटर, वाटर के फ्लो होने की डायरेक्शन कैसी है, अगर वो रेडियल है तो ऐसे टर्बाइन को हम फ्रांसिस टर्बाइन के नाम से जानते हैं। अगर फ्लो कैसा हो रहा है, एक्सियल फ्लो हो रहा है, तो ऐसे टर्बाइन को हम कैप्लान या कापलान टर्बाइन, मतलब सॉरी, अगर एक्सियल फ्लो हो रहा है तो ऐसे टर्बाइन को हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन बोलते हैं, और उसका एग्जांपल है कापलान टर्बाइन। अगर मिक्स्ड फ्लो हो रहा है, मिक्स्ड का मतलब मान लीजिए रेडियली इन हो रहा है और एक्सियली आउट हो रहा है, तो ऐसे टर्बाइन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इसका एग्जाम्पल है, किसका, मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। तो ये तो समझाने के लिए थे, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए एक्सियल फ्लो कैसे होता है ना, रेडियल फ्लो कैसे होता है आपका, यहाँ पर ये मिक्स फ्लो आप कह सकते हैं कि रेडियली इन हो रहा है और एक्सियली वाटर आउट हो रहा है, तो दैट इज दी मिक्स फ्लो टर्बाइन। चलिए, तो बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए थे। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, जो टर्बाइन की शाफ्ट है वो कितने आरपीएम से रोटेट कर रही है ना, और ये एक इमेजिनरी स्पीड होती है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, यूनिट पावर प्रोड्यूस करने के लिए और यूनिट हेड के लिए जो एक आरपीएम होते हैं, किसके, टर्बाइन की शाफ्ट के। अगर टर्बाइन की जो शाफ्ट है उसकी स्पेसिफिक स्पीड, एनएस का मतलब है स्पेसिफिक स्पीड, उसके आरपीएम कितने हैं, अगर 50 आरपीएम से कम है, अगर 50 आरपीएम से कम है मतलब स्पेसिफिक स्पीड लो है। स्पेसिफिक स्पीड कैसी है, लो है, तो उसको बोला जाएगा क्या, लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। अगर इसका पेल्टन टर्बाइन, यहां पर लिख दिया मैंने इसका एग्जांपल, पेल्टन टर्बाइन जो है वो लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन का एग्जांपल है, इसकी स्पीड काफी कम होती है, आरपीएम इसके कम होते हैं। दूसरा, अगर आरपीएम क्या है उसके, एनएस यानी कि स्पेसिफिक स्पीड 50 आरपीएम से ज्यादा है और 250 आरपीएम से कम है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, मतलब मीडियम है। अगर मीडियम स्पेसिफिक स्पीड है तो ऐसे टर्बाइन को हम बोलते हैं क्या, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। अगर मान लीजिए उसके आरपीएम, उसके स्पेसिफिक स्पीड 250 आरपीएम से भी ज्यादा है, मतलब हाई है, 250 आरपीएम से भी ज्यादा है, कैसे है उसके स्पेसिफिक, हाई है ना, स्पेसिफिक स्पीड अगर हाई है तो ऐसे टर्बाइन को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। कैप्लान टर्बाइन इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल यहां पर मैंने साथ के साथ लिखे हुए हैं, बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, बहुत प्रिसाइज हैं, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा, एक्यूरेसी पर ध्यान दिया गया है ना, आपको एकदम से जो है याद भी रहेंगी और एग्जाम में आप लिख करके आएंगे, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, है ना। चलिए, तो एक बार इसको देख लीजिए, जो पेल्टन टर्बाइन है, ये पेल्टन टर्बाइन की स्पीड क्या होती है, काफ़ी कम होती है, और जो कैप्लान टर्बाइन है, पेल्टन की सबसे कम होती है और कैप्लान की सबसे ज़्यादा होती है, और जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, मीडियम होती है, बताइए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, अच्छा एक क्लासिफिकेशन इसमें मिसिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन, दूसरा है हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू द हेड, जो नेट हेड मैंने आपको बताया था, नेट हेड के हिसाब से भी क्या है कि हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे पेल्टन टर्बाइन जो है ये इसकी स्पेसिफिक स्पीड कम है लेकिन इसका जो हेड होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, इसका हेड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो पेल्टन टर्बाइन क्या है, लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन है, लेकिन हेड के टर्म्स में अगर देखेंगे तो हाई हेड का टर्बाइन है। कैप्लान टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, ये हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन है, लेकिन अगर हेड देखेंगे इसका तो इसका हेड सबसे कम होता है ना, इसका हेड क्या होता है, सबसे कम होता है, तो ये बोला जाएगा लो हेड टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन क्या है ना, ये मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन है और ये मीडियम हेड टर्बाइन भी होगा आपका, है ना, जो फ्रांसिस टर्बाइन है ये मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन भी है और मीडियम हेड टर्बाइन भी है, मतलब जिस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी उसका हेड कम होगा, उसका हेड क्या होगा, कम होगा, ऐसे याद रखना, इसका जस्ट उल्टा कर देना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, सेकेंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ टर्बाइन,
टरबाइन की जो शाफ्ट होती है उसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो जरा, ये जो शाफ्ट है ना, इसकी जो ये टरबाइन है इसकी शाफ्ट कैसी है? हॉरिजेंटल है, यस और नो? ये हॉरिजेंटल शाफ्ट है, तो ये टरबाइन कैसी हो जाएगी? हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इस टरबाइन की शाफ्ट कैसी है? वर्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगी? वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। इस टरबाइन की शाफ्ट कैसी है? वर्टिकल है, तो ये भी क्या होगा आपका? वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक तो हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन हो जाएंगे जिनके शाफ्ट हॉरिजेंटल है, जिनके शाफ्ट वर्टिकल है, तो वो कैसे हो जाएंगे? वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। ये जो आपका पेल्टन टरबाइन होता है ना, इसकी शाफ्ट कैसी होती है? हॉरिजेंटल होती है। बाकी जितने भी टरबाइंस हैं, रेस्ट ऑफ द टरबाइंस, बाकी जो रेस्ट ऑफ द टरबाइंस हैं, सभी की जो शाफ्ट होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल शाफ्ट होती है। लास्ट का जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर, मतलब ये सब क्या थे? साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये इनका नाम रखा गया टरबाइन का। जैसे पेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो नाम इसका टरबाइन का नाम क्या हो गया? पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील। फ्रांसिस एक साइंटिस्ट थे, तो क्या हो गया? फ्रांसिस टरबाइन। और जो कैप्लान या कैप्लान एक टरबाइन थे, साइंटिस्ट थे, तो उनका नाम हो गया कैप्लान टरबाइन। बताइए, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। चलिए आगे देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तक मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, अभी अगर अब यहां तक अगर आप आ गए हो, इसका मतलब वीडियो को देखते हो, अगर आप यहां तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब वीडियो आपके काम की है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं। एक कमेंट, जरा रुक जाइए 5 सेकंड के लिए, एक कमेंट कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है ना। आप कमेंट कीजिए, आपको लगता है कि जो भी कंटेंट अगर अच्छा है तो आप तारीफ़ कीजिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए तो उसको इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो आप जो रियल फीडबैक है, एक्चुअल फीडबैक है, आप उसको दीजिए। आपका जो वैल्यूबल फीडबैक है उसको कंसिडर करेंगे, और उसको कंसिडर करके डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अभी आप शेयर कर दीजिए, या फिर वीडियो पूरा देखने के बाद शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दैट इज इम्पल्स टर्बाइन। दैट इज वॉट? इम्पल्स टर्बाइन, समझेंगे। इम्पल्स टर्बाइन 10 नंबर में आया था लास्ट टाइम, 10 नंबर में आया था लास्ट टाइम। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, AK ट्यू 2022 10 मार्क्स में आया था, अभी जो एग्जाम हुआ है आपका। और कई बच्चे क्या है, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा हुआ था बच्चों को, एकदम रटा हुआ था, ये एकदम रटा हुआ था। कई बच्चे आए और बोले कि सर एक क्वेश्चन जो है वो आ गया हमारा टर्बाइन का, लेकिन वो पढ़ाया नहीं था आपने। मैंने, कौन सा क्वेश्चन है? हम पेपर मैंने देख लिया था। बोले कि सर वो पेल्टन टर्बाइन का क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था बच्चे? पेल्टन टर्बाइन का क्वेश्चन आया था, इसलिए हम करके नहीं आए उसको। मतलब बच्चों को ये पता था इम्पल्स टर्बाइन का पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग बहुत शानदार तरीके से बच्चा पढ़ के जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो आया एग्जाम में वो पेल्टन के नाम से आ गया। किस नाम से आ गया? पेल्टन। अरे तो पेल्टन टर्बाइन भी तो इम्पल्स टर्बाइन होता है, आपको बताया था अभी कि नहीं? मैंने बोला था कि याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, जो पेल्टन टर्बाइन है किसका एग्जाम्पल है? इम्पल्स टर्बाइन का। भाई इम्पल्स का किस कौन क्या एग्जाम्पल है? पेल्टन टर्बाइन। अगर आपसे इम्पल्स पूछे तब भी वही लिखना है आपको, पेल्टन का। अगर वर्किंग पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन किस तरह से आएगा? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, या फिर आ सकता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन टर्बाइन, है ना। तो पेल्टन अगर आ गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, यही आपको लिख करके आना था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलो समझते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समझाने वाली चीज़ थी मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया, अब आपको बहुत सिंपल लगने वाला है। देखिए इम्पल्स टर्बाइन है ना, पेल्टन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पेल्टन टर्बाइन होता है ना, पेल्टन टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन। अगर पेल्टन के नाम से आएगा तब भी यही लिख करके आप आओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 नंबर में आया था अभी ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं किसके? इम्पल्स टर्बाइन के, वो होते हैं आपका नोजल होता है, है ना, रेगुलेटिंग डिवाइस, यू नो नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, रनर होता है, बकेट्स होती हैं, और क्या होता है यहाँ पर? केसिंग होती है। देखो जरा यहाँ पे, देखो ये डायग्राम सिंपली बना सकते हो। ये तो हो गया पेन स्ट्रोक, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेन स्ट्रोक एक ऐसा पैसेज होता है, एक ऐसा चैनल होता है जो वाटर को कहाँ से कैरी कराता है? डैम से वाटर को लाएगा और कैरी कराएगा कहाँ तक? टरबाइन तक। ये आप देखेंगे टरबाइन की ये शाफ्ट है, तो यहाँ पर डैम रहा होगा इधर, बोलो यस और नो। वाटर आएगा और ये वाटर जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेन स्ट्रोक में कोई दिक्कत नहीं है। पेन स्ट्रोक क्या करता है, वाटर को कैरी करता है डैम से टरबाइन के शाफ्ट तक। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या लगी हुई है, एक नॉजल लगी हुई है। पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ नॉजल को। तो नॉजल क्या करती है, ये जो वाटर यहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से जो वाटर आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ से जो वाटर का जेट यहाँ से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हाई वेलोसिटी से जो वाटर है स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, ब्लेड्स पर। यहाँ पर देखिए बकेट्स लिखा हुआ, बकेट्स या इसको ब्लेड्स कह सकते हैं या इसको वेन्स कह सकते हैं। हाई वेलोसिटी से इस वेन्स पर टकराएगा। ये वेन्स की पूरी एक सीरीज है, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी इस तरह से। तो ये किसके ऊपर लगे हुए वेन्स, ये लगे हुए हैं किसके ऊपर, रनर के ऊपर। तो रनर एक पहिया है, एक व्हील है। रनर क्या है, एक व्हील है जिसके ऊपर क्या होता है, रनर एक व्हील है जिसके ऊपर एक सीरीज होती है ब्लेड्स की, वेन्स की या फिर बकेट्स की, जो रोटेट करती है ना। तो जब बकेट्स रोटेट करेंगे तो क्या करेगा, ये रनर भी रोटेट करेगा, ये पहिया घूम जाएगा। ये पहिया अगर घूम जाएगा तो टरबाइन की जो शाफ्ट है ये रोटेट कर जाएगी। बस अपना काम यही तो है, टरबाइन के शाफ्ट को तो रोटेट कराना है। यस और नो, जो टरबाइन की शाफ्ट है बस इसको रोटेट कराना है, मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद तो आपको पता ही है, जनरेटर लगा देंगे और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। समझ में आई बात आपको। तो नॉजल क्या होती है, तो नॉजल इज यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस। यहाँ पर देखिए एक पहिया लगा हुआ है, स्पीयर यहाँ पर एक है ना, ये रॉड सी लगी हुई है। इस रॉड को इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, बोलो यस और नो। काम क्या है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रॉड। एक्चुअली होता क्या है, जैसे गर्मियों के दिन है ना, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सुबह में लोड कम होता है प्लांट के ऊपर, कम इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ती है, और कूलर एसी यू नो बंद रहते हैं। और जब यू नो दोपहर के टाइम में क्या होता है, 2 बजे 3 बजे गर्मी ज़्यादा होती है तो सारे लोग एसी ऑन कर देते हैं, तो लोड बढ़ जाता है। तो लोड बढ़ेगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, इसको ज़्यादा तेज़ घुमाना पड़ेगा टर्बाइन को। टर्बाइन ज़्यादा तेज़ घूमेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम इसका जो वाटर का फ्लो है, इस वाटर के फ्लो को हम रेगुलेट कर सकते हैं इसके हिसाब से, है ना। एक हैंडविल लगा हुआ है, इसको इस तरह से घुमा के आगे पीछे करके, अगर लोड ज़्यादा है टरबाइन पर, टरबाइन को तेज़ घुमाना है तो इसको पीछे हटाएंगे तो ज़्यादा वाटर ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, हाई वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा। अगर लोड कम है, टरबाइन की स्पीड कम करनी है तो इसको थोड़ा सा हम आगे करेंगे तो वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो वाटर के फ्लो को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट इज रनर। तो रनर क्या है, एक पहिया है, एक व्हील है जिसके ऊपर से बकेट्स की क्या होती है, सीरीज होती है ना। बकेट्स की क्या होती है, सीरीज होती है। बकेट्स के ऊपर ये वाटर जो है स्ट्राइक करता है। केसिंग क्या होता है ये और समझ लेते हैं, केसिंग अभी बच गया है यहाँ पे। व्हाट इज केसिंग, ध्यान समझना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, केसिंग। देखो जब ये वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो ये वाटर क्या होगा, स्प्लैश होगा, मतलब ये फैलना चाहेगा। जैसे आप वाटर है, आप दीवार में जो है वाटर, एक बकेट लीजिए उसमें पानी लीजिए और इस तरह से फेंक दीजिए उसको, तो वाटर क्या होगा, वो स्प्लैश हो जाएगा, वाटर जो है बिखर जाएगा। तो यहाँ पर वाटर की स्प्लैशिंग को रोकने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, कवर लगा दिया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, केसिंग बोलते हैं। तो केसिंग का काम क्या है, वाटर की स्प्लैशिंग को रोकना, टू अवॉइड द स्प्लैशिंग। दूसरा यहाँ पर वर्क, क्योंकि ये जो टर्बाइन है ना आपका, ये तो एयर में रखा हुआ है ना, एटमोसफेयर में रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर एयर है। तो इसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई आएगा तो बहुत खतरा भी है यहाँ पे। तो केसिंग का यहाँ पर दो ही काम है, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, और दूसरा यहाँ पर वाटर की स्प्लैशिंग को अवॉइड करने के लिए, वाटर की स्प्लैशिंग को रोकने के लिए। बाकी इसका कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जो केसिंग है ना यहाँ पर, ये इसका हाइड्रोलिक फंक्शन कोई नहीं है यहाँ पर। हाइड्रोलिक फंक्शन मतलब इस केसिंग से एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो टरबाइन का आउटपुट है, जो टरबाइन का जो वर्क है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो केसिंग है डजेंट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन इन केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इम्पल्स टर्बाइन की। तो इम्पल्स टर्बाइन की जो केसिंग होती है, एफिशिएंसी पर, टर्बाइन की आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम रिएक्शन टर्बाइन पढ़ेंगे तो उसकी केसिंग अलग टाइप की होगी, वो हाइड्रोलिक फंक्शन को भी परफॉर्म करती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
ठीक है, जो मैंने आपको बताया है अभी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉजल क्या होती है ना, गाइड मैकेनिज्म क्या होता है बता दिया मैंने आपको। रनर क्या होता है कि रनर एक व्हील होता है ना, टर्बाइन के ऊपर है ना, व्हील ऑफ द टर्बाइन, टर्बाइन का एक व्हील है, टर्बाइन का एक पहिया है, विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द बकेट्स, जिसके ऊपर बकेट्स की सीरीज होती है, या बकेट्स को आप ब्लेड्स कह सकते हैं, उसको वेन्स भी कह सकते हैं। केसिंग मैंने आपको बताया, तो इट इज यूज टू अवॉइड द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को अवॉइड करती है, प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लैशिंग को रोकती है, एंड इट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन, ये कोई हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, मतलब एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टर्बाइन का जो आउटपुट है, वर्क आउटपुट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा, द प्रेशर थ्रू आउट द टर्बाइन फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये हुआ क्योंकि जो टर्बाइन है ये एटमोस्फेयर में है, ये कहाँ पर है टर्बाइन, ये टर्बाइन है एटमोस्फेयर में, कहाँ पर है ये टर्बाइन, एटमोस्फेयर में, तो यहाँ पर टर्बाइन के इनलेट से लेकर के टर्बाइन के आउटलेट तक यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर कैसा प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब हम पढ़ेंगे ना रिएक्शन टर्बाइन, कौन सा टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि वो जो टर्बाइन है रिएक्शन, वो पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है, ये एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, जबकि रिएक्शन टर्बाइन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। चलो आगे बढ़ा जाए, नाउ कम टू द रिएक्शन टर्बाइन, आ गया क्या आपका रिएक्शन टर्बाइन, देखते हैं इसको, समझो जरा ध्यान से, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स और मेन पार्ट्स ऑफ द टर्बाइन, व्हाट आर द रिएक्शन टर्बाइन, एक होगा इसके अंदर केसिंग, पहले भी था केसिंग, एक गाइड मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, रनर होता है पहले भी था, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं थी पहले, इस बार ड्राफ्ट ट्यूब भी यहां पर आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो जरा ध्यान से, इसका एक डायग्राम और था, एक सेकेंड, दूसरा डायग्राम कहाँ गया इसमें से, चलिए बाद में समझाते हैं उसको, इसको समझना पहले, यू नो दीज आर द, दिस इज द रिएक्शन टर्बाइन। देखो मैंने बताया था आपको अभी, जो वहाँ पर जो केसिंग थी वो सिंपली इस तरह की केसिंग थी, है ना, कौन से टर्बाइन में, इम्पल्स टर्बाइन में इस तरह की केसिंग थी, और यहाँ पर क्या था आपका, एटमोस्फेरिक प्रेशर था, क्योंकि ये एयर के अंदर थी ना, एटमॉस्फेयर में थी। यहां पर जो टरबाइन है, ये आपकी जो रिएक्शन टरबाइन है, यहां पर ये देखें, ये वाटर आ रहा है कहां से, पेनस्टोक से, है ना, डैम से पेनस्टोक वाटर लाएगा और इसके अंदर ये एंटर करेगा, किसके अंदर, यहां पर देखिए लिखा हुआ स्पाइरल केसिंग, ये जो आप केसिंग देख रहे हो ना, ये स्पाइरल शेप की है, किस शेप की है, यहां पर ये स्पाइरल शेप की केसिंग है, इसको उधर कर देते हैं थोड़ा सा, देखो यहां पर जो ये केसिंग लगी हुई है ना, ये कैसी केसिंग है, दिस इज द स्पाइरल केसिंग, कौन सी केसिंग है, स्पाइरल केसिंग है, वाटर इसके अंदर एंटर हुआ, ये वाटर एंटर हुआ, अब यहां पर आप देखना दो टाइप के ब्लेड्स लगे हुए हैं, हम जब बात कर रहे थे किसकी, इम्पल्स टर्बाइन की, तो वहां पर रनर के ब्लेड्स थे, यहां पर रनर के ब्लेड्स तो रहेंगे, एक और ब्लेड्स आ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं गाइड मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं उनको, हम गाइड मैकेनिज्म बोलते हैं या फिर गाइड वेन्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखिए ये रनर आप देख पा रहे हैं, ये रनर, ये शाफ्ट टर्बाइन की, ये टर्बाइन की शाफ्ट है, इस पर ये जो व्हील लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं आप लोग, इसी को क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो रनर, क्या बोलते हो इसको, इसी को बोला जाता है रनर। ये देखिए यहाँ पर ब्लेड्स लगे हुए हैं, क्या मैं दिखा रहा हूँ, अलग से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लेड्स हैं ये हैं रनर ब्लेड्स, कौन से ब्लेड्स हैं, रनर ब्लेड्स हैं, और ये ब्लेड्स रहते हैं फिक्स, रनर के ऊपर जो ब्लेड्स रहते हैं ये फिक्स्ड ब्लेड्स होते हैं, कौन से ब्लेड होते हैं, ये फिक्स्ड ब्लेड होते हैं। अब दूसरे कलर से मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, यू नो गाइड ब्लेड्स या गाइड वेन्स, यहां पर देखिए एक ब्लेड्स ये वाले भी हैं जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये वाले, दिस वन, दीज आर दी गाइड वेन्स, गाइड ब्लेड्स। अब देखो यहां से जो वाटर आएगा, ये वाटर सबसे पहले किसके पास जाएगा, गाइड ब्लेड्स, गाइड वेन्स के पास जाएगा, नाम से पता लग रहा है गाइड वेन्स, मतलब ये वाटर को गाइड करते हैं, किसको गाइड करते हैं, वाटर को गाइड करते हैं, और मतलब वाटर को डायरेक्ट करते हैं, गाइड करने का मतलब वाटर को क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो वाटर की डायरेक्शन को ये चेंज कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जो ऊपर वाले ब्लेड्स हैं, कौन से वाले, गाइड वेन्स वाले, ये कैसे होते हैं आपके, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्लेक्सिबल, जबकि जो रनर वाले ब्लेड्स होते हैं ये फिक्स्ड ब्लेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसकी, वाटर की, तो वाटर को इस तरह से डायरेक्ट करेंगे
ताकि स्मूथली जो है वाटर का जो स्मूथली है वाटर कहाँ चला जाए, रनर के ब्लेड्स पर चला जाए। यहाँ से वाटर आ रहा है ना, सबसे पहले किसके पास जाएगा, गाइड वेन्स के पास जाएगा। तो गाइड वेन्स क्या करेंगे, वाटर को डायरेक्ट करेंगे, वाटर को इस तरह से गाइड करेंगे कि वो स्मूथली बिना किसी जर्क के, बिना किसी जर्क के बहुत ही स्मूथली जो है वो रनर ब्लेड्स के पास चले जाएंगे। उसके बाद जो है ये टरबाइन की शाफ्ट जो है क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, आपको बस ध्यान ये रखना है यहाँ पर जो केसिंग है, यहाँ पर जो ये केसिंग है इसमें तो वाटर भरा हुआ है, पूरा वाटर भरा हुआ है, जबकि पहले क्या था, एटमॉस्फेयर था। तो ये हाइड्रोलिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है, मतलब इसकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है, यानी कि टरबाइन का जो आउटलेट, टरबाइन का जो आउटपुट है वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया केसिंग के बारे में। ठीक, दूसरा गाइड मैकेनिज्म, गाइड मैकेनिज्म मतलब जो गाइड वेन्स हैं, जो गाइड ब्लेड्स हैं, जो वाटर को गाइड कर रहे हैं, जो वाटर को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रनर तो पहले भी था अभी भी है। रनर क्या होता है, एक टर्बाइन का एक व्हील होता है जिस पर क्या होते हैं, ब्लेड्स की एक सीरीज लगी रहती है। एक बच्चा का यहाँ पर ड्राफ्ट, अभी इसको डिस्कस करते हैं ड्राफ्ट को। पहली बात तो जो ड्राफ्ट, सॉरी ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट ट्यूब है ना, ड्राफ्ट ट्यूब पहली बात कौन से टर्बाइन में होती है, रिएक्शन टर्बाइन में। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है किसमें, इंपल्स टर्बाइन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, किसमें होती है, केवल और केवल रिएक्शन टर्बाइन में ये आपको देखने के लिए मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पूरी कहानी है ना, आप एक बार पढ़ लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केसिंग क्या होती है, रनर क्या होता है, गाइड मैकेनिज्म क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे बढ़ा जाए, ड्राफ्ट ट्यूब हो सकता है कि दो नंबर में अलग से पूछ ले ड्राफ्ट ट्यूब, या फिर जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए रिएक्शन टर्बाइन का, रिएक्शन टर्बाइन का क्वेश्चन अभी नहीं आया है, केवल इंपल्स टर्बाइन का आया था, हो सकता है इस बार रिएक्शन टर्बाइन का आ जाए, तो उसमें आपको ड्राफ्ट ट्यूब भी बतानी होती है। एक बार पढ़ लो इसको आप, कि जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है ना, ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है ये टर्बाइन के आउटपुट को बढ़ा देती है, मतलब उसका जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देती है। ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो टर्बाइन के आउटपुट को बढ़ा देती है, टर्बाइन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देती है। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज अ डाइवर्जिंग ट्यूब फिटेड एट द एग्जिट ऑफ रनर ऑफ टर्बाइन, मतलब एक डाइवर्जिंग पैसेज है, मतलब इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज हो रहा है टर्बाइन के एग्जिट पे, हमने इसको फिट कर दिया। विच इज यूज टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल विद द वॉटर एट द एग्जिट ऑफ रनर, रनर के एग्जिट पे, जो रनर के एग्जिट पे, टर्बाइन के एग्जिट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको हमने प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया और टर्बाइन का जो आउटपुट है वो बढ़ चुका है। प्रेशर हेड इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द एग्जिट वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी घट रही है इसके अंदर, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर हेड इसका इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी एंड आउटपुट ऑफ द टर्बाइन कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, टर्बाइन का जो आउटपुट है, टर्बाइन का जो वर्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो सिंपली आप इस डायग्राम से समझा सकते हैं है ना, ये टर्बाइन का क्या है, एग्जिट है, यहाँ पर टर्बाइन के एग्जिट पर आपने क्या लगा दिया, ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी, और ड्राफ्ट ट्यूब के बाद यहाँ से क्या होगा, वाटर टेल रेस में जाएगा। इस डायग्राम को समझाने के लिए दिया था आपको, बाकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बताइए कोई दिक्कत है। तो हमने पढ़ लिया क्या, यहाँ पर टर्बाइन हम पढ़ चुके हैं, टर्बाइन को हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि टर्बाइन क्या होता है। टर्बाइन एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा टर्बाइन का। नेक्स्ट वी हैव सीन द इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, दोनों की केसिंग में क्या डिफरेंस होता है वो हमने समझने की यहाँ पर कोशिश की। द नेक्स्ट वन इज पंप है ना, अब ये पंप क्या होता है, पंप जो है टरबाइन का उल्टा होता है, कि भाई पंप एक ऐसी डिवाइस है, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, पंप क्या है, पंप एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वही चीज़। आगे बढ़ते हैं है ना, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के दो तरह के हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा है क्या, रेसिप्रोकेटिंग पंप। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 10-10 मार्क्स में आते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है AKTU में, आई थिंक 2020-21 या फिर 2020-21 में आया था या 21-22 में आया था, 10 मार्क्स में, कितने मार्क्स में आया था, 10 मार्क्स में। समझते हैं, डायग्राम को देख करके आप इसको फील कर पाएंगे है ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक केसिंग लगी हुई है ना, केसिंग लगी हुई है, तो ये जो केसिंग यहाँ पर देख पा रहे हो ये इम्पल्स टर्बाइन के जैसी है या रिएक्शन टर्बाइन के कैसी है, रिएक्शन टर्बाइन के जैसी केसिंग लगी हुई है, स्पाइरल शेप में है कि नहीं है,
यहाँ पर जो केसिंग है वो कैसी है, स्पाइरल शेप में है, और स्पाइरल शेप की जो केसिंग थी वो इंपल्स टरबाइन में थी या फिर रिएक्शन टरबाइन में थी, याद करो, याद करो, कौन से टरबाइन में थी, रिएक्शन टरबाइन में थी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये रिएक्शन टरबाइन का अपोजिट होता है। किसका, रिएक्शन टरबाइन का अपोजिट होता है। देखो कहाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो मेन पार्ट्स ऑफ द कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप आर इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। यहाँ पर देखो डायग्राम में, ये देखिए, ये तो हो गया सम्प, वाटर सम्प, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टैंड लगी हुई है, यहाँ पर एक आपका हो गया सक्शन पाइप, ये वाला जो पाइप है दिस इज द सक्शन पाइप, ये वाला पाइप आप देख रहे हैं दिस इज द डिलीवरी पाइप, है ना, ये कौन सा पाइप है, डिलीवरी पाइप। ओके नाउ ये क्या हो गया आपका इम्पेलर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दिस इज योर इम्पेलर, ठीक। और ये मैंने आपको बता दिया है केसिंग है, और यहाँ पर जो इसका हेड होता है ना, इसको यहाँ पर देखेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर के जो सम्प लेवल था यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको बोला हमने एचएस, एचएस का मतलब है यहाँ पर सक्शन हेड। ये पाइप कौन सा था, सक्शन पाइप, तो ये हेड कौन सा होगा, सक्शन हेड। ये वाला पाइप कौन सा था आपका, दिस इज योर डिलीवरी पाइप, तो ये जो हाइट होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम डिलीवरी हेड। अगर हम सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज टोटल हेड, है ना। टोटल हेड का मतलब है सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। इसका वर्किंग और देख लेते हैं, तो ये तो हो गया इसके मेन कंपोनेंट्स, ये तो हो गया इसके मेन कंपोनेंट्स। देखो ये टरबाइन की शाफ्ट है, यहाँ पर ये टरबाइन की शाफ्ट है, तो जैसे ये तो अभी पंप है ना, ये तो आपके घर में भी लगा हुआ है, तो क्या करते हो आप, सबसे पहले मोटर को ऑन करते हो, तो मोटर की शाफ्ट रोटेट करती है, बोलो यस और नो। तो मोटर की शाफ्ट जब रोटेट करती है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि ये शाफ्ट जो है रोटेट करती है। तो मोटर की शाफ्ट आपने यहाँ पर कनेक्ट की हुई है, तो जैसे ही मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसकी हेल्प से, मोटर की हेल्प से। अब ये जो वाटर एक हाइट तक चला जाएगा, है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन करेगा इस काम को, ये पंप जो है ये इस काम को करेगा, वाटर को जो है लो हेड से हाई हेड की तरफ फ्लो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही मोटर ऑन करोगे तो टरबाइन के शाफ्ट रोटेट करेगी, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, वाटर यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगा इम्पेलर, है ना, इम्पेलर के अंदर, और फिर यहाँ से इम्पेलर के थ्रू जो वाटर है डिलीवरी पाइप के थ्रू यहाँ पर जो है ये डिस्चार्ज, जहाँ पर भी इस वाटर को डिस्चार्ज करना होगा वहाँ पर ये कर देगा। जैसे आपके घर में क्या है कि पानी नीचे से निकाला, नीचे से पानी जैसे मोटर ऑन करोगे पानी नीचे से निकल करके ऊपर चला जाएगा, या फिर कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। दूसरा, ये आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो ये पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसकी लिखी हुई हैं, कि कौन से कंपोनेंट, जो कौन सा पार्ट है, उसके क्या फंक्शन है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप, कौन सा पंप आता है यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप भी सिंपल है, समझते हैं इसको, आईसी इंजन की तरह है। आईसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट था कुछ उस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप आर सिलेंडर होता है इसके अंदर, पिस्टन, पिस्टन रॉड होती है, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड होती है, सक्शन पाइप होता है, सक्शन वॉल्व होता है, डिलीवरी पाइप होता है, डिलीवरी वॉल्व होता है। समझेंगे जरा ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे इसको भी। चलो देखो इधर, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक सिलेंडर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, एक पिस्टन है। यही किसके अंदर हुआ करता था, आईसी इंजन के अंदर, बोलो यस और नो। एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक पिस्टन है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं। तो ये पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, इधर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, जैसा कि आईसी इंजन में हुआ करता था। देखो यहाँ पे ये एक कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, दिस वन, ये क्या हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, और ये क्या हो गई यहाँ पर, एक क्रैंक हो गई, और ये क्या हो गई आपकी, क्रैंक शाफ्ट हो गई। अरे याद करो, पूरा आईसी इंजन का तरह है, पूरा आईसी इंजन के वाले कंपोनेंट्स हैं ना। ये फिर से दिखा देता हूँ, ये क्रैंक हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये जो रॉड है इसको बोल दिया हमने क्या, पिस्टन रॉड, क्योंकि ये पिस्टन के साथ कनेक्ट है। ये हो गया आपका पिस्टन, ये हो गया सिलेंडर, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया क्या, सक्शन पाइप, है ना, ये हो गया सक्शन पाइप, ये सम्प लेवल है, यहाँ पर वाटर यहाँ से निकालना है। यही यहाँ पर लगा हुआ है क्या, सक्शन वॉल्व। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया डिलीवरी, डिलीवरी वॉल्व, और ये हो गया पाइप कौन सा,
डिलीवरी पाइप, जिस पाइप के थ्रू वाटर जो है डिलीवर होगा। ठीक, चलिए ये मैं आपको बताया था पहले भी, ये जो हाइट है इसको बोलेंगे क्या हम सक्शन हेड, इसको बोलेंगे डिलीवरी हेड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल हेड मिल जाएगा। अब इसकी वर्किंग जरा समझ लेते हैं, वर्किंग समझते हैं। आईसी इंजन में क्या होता था, आईसी इंजन में सिलेंडर के अंदर यहां पर क्या होता था, बर्निंग होती थी फ्यूल की, तो यहां से फोर्स मिलता था कहां पर, पिस्टन के ऊपर। तो पहले पिस्टन मूव करता था, पिस्टन कौन किसको चलाता, कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड किसको चलाती थी, क्रैंक को, और क्रैंक किसको रोटेट कराती थी, क्रैंक शाफ्ट को। ठीक है, इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। देखो ध्यान से, ये जो शाफ्ट लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट, ये जो क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है इसको रोटेट कराना है। जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी, जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये क्रैंक रोटेट करेगी, क्रैंक रोटेट करेगी तो ये कनेक्टिंग रॉड चलेगी, तो ये जो पिस्टन रॉड है ये आगे इधर की तरफ आएगी, तो ये पिस्टन इधर की तरफ आएगा। बोलो यस और नो। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल समझना ध्यान से, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर, मैंने बताया आपको क्या लगी हुई यहाँ पर, ये क्रैंक शाफ्ट। अब ये क्रैंक शाफ्ट को कौन रोटेट कराएगा, मोटर रोटेट कराएगी, यहाँ पे मोटर रोटेट कराएगी। आईसी इंजन से तो पावर मिलती है, इसको तो पावर देनी पड़ती है ना, पंप है ये, तो पावर प्रोड्यूस कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो जैसे ही आपने मोटर का स्विच ऑन किया, समझना ध्यान से, जैसे ही आपने मोटर का स्विच ऑन किया तो मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी। तो यहाँ पर जो मोटर की शाफ्ट यहाँ लगी होगी, तो मोटर की शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो ये पंप की शाफ्ट भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। पंप के शाफ्ट जैसे यहाँ पर कितना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रैंक जो है, मान लो पहले ऐसे थी, है ना, एंगल कितना था 0 डिग्री। अब जैसे ही मोटर चलाओगे तो ये जो क्रैंक है ये रोटेट करेगी, यस और नो, सॉरी। तो 0 से कितना रोटेट करेगी, मान लो 180 डिग्री रोटेट करेगी, कितना 180 डिग्री। अब ये पिस्टन यहाँ पर था पहले, पिस्टन कहाँ पर है, पिस्टन यहाँ पर है। अब जैसे ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो ये पिस्टन इधर की तरफ आना स्टार्ट करेगा, बोलो यस और नो, पिस्टन जो है वो इधर की तरफ आएगा। तो जब पिस्टन इधर की तरफ आएगा तो ये जो सक्शन वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से वाटर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा, ये वाटर जो है सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही क्रैंक 180 डिग्री रोटेट करेगी तो ये पिस्टन है वो यहाँ आ चुका होगा, बोलो यस और नो, इस सिलेंडर के अंदर क्या भर चुका होगा, एकदम वाटर भर चुका होगा, पानी भर चुका होगा, यानी सिलेंडर जो है सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भर चुका है। और क्रैंक कितना रोटेट, कितना डिग्री रोटेट कर चुकी है, 180 डिग्री। अब क्या होगा, जब ये 180 के बाद फिर से 180 से 360 डिग्री रोटेट करेगी तो ये पिस्टन क्या होगा, पहले पिस्टन यहाँ आ चुका था, अब पिस्टन वापस जाएगा। जब ये पिस्टन वापस जाएगा तो ये वाला जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगा और ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, डिलीवरी वॉल्व, और वाटर जो है वो यहाँ से निकल करके जहाँ पर भी आपको डिस्चार्ज करना है वो चला जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट 180 डिग्री, देखो फर्स्ट 180 डिग्री में क्या हुआ, वाटर सिलेंडर के अंदर आया, डिलीवरी नहीं हुई, सक्शन हुआ वाटर का। फिर अगले 180 से 360 डिग्री तक क्या होगा, जो पिस्टन है वो इधर की तरफ जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी, सक्शन उस समय नहीं होगा। इसको बोला जाता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि यहां पर रेसिप्रोकेट करता है पिस्टन, पिस्टन क्या करता है यहां पर रेसिप्रोकेट करता है। एंगल कितना है 0 डिग्री। अब जैसे ही मोटर ऑन करोगे क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगा, पिस्टन जो है वो इधर से इधर आएगा और ये वॉल्व सक्शन वॉल्व ओपन हो जाएगा, डिलीवरी वॉल्व बंद रहेगा, कोई डिलीवरी नहीं होगी वाटर की, वाटर का सिर्फ सक्शन होगा। जैसे ही 180 डिग्री रोटेट कर चुका है तो यहाँ पर पिस्टन यहाँ आ चुका है और सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भर चुका है। ठीक है, अब 180 से 360 डिग्री रोटेट करेगी क्रैंक, तो ये पिस्टन वापस जाएगा, जब वापस जाएगा तो सक्शन वॉल्व बंद हो जाएगा, डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो पानी सिलेंडर के अंदर भर चुका था ये डिलीवरी पाइप के थ्रू वाटर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये जो है लगातार साइकिल चलती रहेगी। इसमें दिक्कत वाली बात ये है, क्योंकि इस तरफ तो वाटर भरा हुआ है, इसमें इस तरफ वाटर नहीं है, तो मतलब हाफ यू नो एक स्ट्रोक में सक्शन होगा, दूसरे स्ट्रोक में डिलीवरी होगी, फिर सक्शन होगा, फिर डिलीवरी होगी, मतलब हाफ साइकिल में 180 डिग्री में तो मतलब डिलीवरी हो रही, डिस्चार्ज मिल रहा है, लेकिन 180 डिग्री में डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही तरफ वाटर है। ठीक है, दैट इज द ड्रॉबैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर हम ध्यान से देखें इसको एक सेकेंड, यस, अकॉर्डिंग टू द वाटर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद वन साइड और बोथ द साइड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर जो वाटर है वो केवल एक ही साइड है ना, ये जो पिस्टन है ना, ये जो पिस्टन है
ये जो पिस्टन है, पिस्टन के एक साइड तो वाटर है, दूसरी साइड वाटर नहीं है, तो इसको बोला जाएगा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर इधर भी हम वाटर भर दें और इधर भी वाटर रहेगा तो हो जाएगा आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि जो इसका डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अभी मैं डायग्राम आपको आगे भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाएगा और आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स प्रोवाइडेड, है ना। सिंगल सिलेंडर पंप भी हो सकता है, डबल सिलेंडर पंप हो सकता है और आपका ट्रिपल सिलेंडर, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। ये देखिए जरा, यहाँ पे दिस इज द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड दिस इज द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग में क्या होगा कि जब ये पिस्टन, देखो यहां पर वाटर भरा हुआ है, यहां पर वाटर नहीं है, ना एक ही तरफ वाटर है दूसरी तरफ वाटर नहीं है। जब ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा तो सिलेंडर के अंदर वाटर एंटर करेगा, यानी कि सक्शन होगा। यहाँ पर देखो ये जो सक्शन वॉल्व है ये ओपन है और डिलीवरी वॉल्व क्या है, बंद है। तो डिलीवरी नहीं हो रही है वाटर की, केवल सक्शन हो रहा है ना। 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो इसके अंदर पानी भर जाएगा, है ना। कोई डिलीवरी नहीं है यहाँ पर, कोई डिस्चार्ज नहीं है। अब ये जो पिस्टन है वापस जाएगा, है ना, वापस जाएगा तो ये वाला जो सक्शन वॉल्व है बंद हो जाएगा, डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मान लो यहां से अगर डिस्चार्ज कितना हुआ है, क्यू हुआ है, तो देखते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होगा। यहां पर एक ही साइड वाटर है पिस्टन के, डबल एक्टिंग में दोनों साइड वाटर होगा, यानी कि यहां पर दो डिलीवरी वॉल्व होंगे, एक डिलीवरी वॉल्व ये हो गया, दूसरा डिलीवरी वॉल्व ये हो गया, ठीक है। यहां पर ये एक सक्शन सॉरी हाँ ये एक डिलीवरी पाइप हो गया, दूसरा डिलीवरी पाइप ये हो गया, ये पहला सक्शन पाइप हो गया, ये दूसरा सक्शन पाइप हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये पिस्टन है, पिस्टन के इधर भी वाटर है और पिस्टन के इधर भी वाटर है, दोनों तरफ वाटर है, ठीक है, दोनों तरफ वाटर है। अब देखना ध्यान से, जब ये पिस्टन इधर की तरफ आ रहा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये पिस्टन इधर की तरफ आ रहा है ना, पिस्टन जब इधर की तरफ आ रहा है तो ये वाला जो वॉल्व है डिलीवरी वॉल्व ये बंद है, यहां से वाटर इसके अंदर आ रहा है, यानी कि इस तरफ क्या हो रहा है, पिस्टन के इस तरफ तो वाटर का सक्शन हो रहा है, यहां से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, यहां से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। नाउ अब जब ये पिस्टन वापस जाएगा, जब ये पिस्टन वापस जाएगा तो यहां पर डिलीवरी बंद हो जाएगी, यानी कि ये पाइप जो है देखो ये वॉल्व बंद हो चुका है, यहां से सक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर वाटर की एंट्री हो जाएगी, यहां से वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। मतलब जब पिस्टन इधर आया तो यहां से डिस्चार्ज मिला और जब पिस्टन वापस गया तो यहां से डिस्चार्ज मिला, तो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज मिल रहा है। अगर यहां पर डिस्चार्ज क्यू है तो यहां पर कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, अगर हम इस रॉड का एरिया को मतलब निग्लेक्ट कर दें कि ये जो रॉड लगी हुई है पिस्टन की रॉड, ये कितना एरिया कितना वॉल्यूम कवर कर रही है इसको हम निग्लेक्ट कर दें, तो अगर इसका डिस्चार्ज क्यू है तो इसका कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर पिस्टन के केवल एक तरफ वाटर है तो वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, अगर पिस्टन के दोनों साइड वाटर है तो वो आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। आगे बढ़ा जाए क्या, चलिए तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट जरूर कीजिए, अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, है ना। वीडियो को कंप्लीट होने के बाद शेयर जरूर करना, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट है सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर मतलब एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर, एनर्जी को क्या कर लेता है अपने अंदर, एक्यूमुलेट कर लेता है, ठीक है। देखो यहां पर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है, किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स्ड सिलेंडर होता है, एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है, और इस फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर के अंदर क्या होती है, एक स्लाइडिंग रैम होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रैम है, ये एक रैम है जो इस सिलेंडर के अंदर क्या कर सकती है, रेसिप्रोकेट कर सकती है, मतलब स्लाइड कर सकती है, और इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है, एक हैवी वेट रखा हुआ है, किसके ऊपर, स्लाइडिंग रैम के ऊपर। किस तरह से ये काम करता है समझना ध्यान से जरा। यहां पर देखिए ये इसका इनलेट है, इनलेट मतलब इसके अंदर वाटर आएगा, मतलब वाटर या फिर कोई लिक्विड आएगा, कोई ऑयल आ सकता है ना, कोई ऑयल इसके अंदर आ सकता है किसी मोटर के थ्रू, मतलब हाई प्रेशर के अंडर में आएगा, ये लिखा हुआ है यहां पर इनलेट फ्रॉम द पंप। यहां पर कोई पंप लगा होगा, वो पंप क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा क्या,
लिक्विड, यहां से इसका एग्जिट है, यहां से इसका क्या है, एग्जिट है, इसका ये आउटलेट है। अब ये आउटलेट कहां पर कनेक्ट होगा उसको जरा पहले देख लो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे कोई लिफ्ट होती है, लिफ्ट देखिए, सभी ने देखी है लिफ्ट, आगे हम पढ़ने वाले भी लिफ्ट, लिफ्ट के आगे थी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहां पर भी आपको जाना होता है, यानी कि जिसके ऊपर आप बैठ के जाते हो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाएगी, कभी नीचे की तरफ आएगी। अब आप सोच करके बताओ, यहां पर जो लिफ्ट लगी हुई है, ये लिफ्ट लगा देते हैं यहां पर, लिफ्ट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये देखिए, हमने लिफ्ट बना दी यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह से है ना, यहाँ पे। अब आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, दो लोग मैंने यहाँ पर खड़े कर दिए। अब आप सोचना जरा कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगी ना लिफ्ट, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको वर्क करना पड़ेगा, यस और नो, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आप जा सकती है, तो उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, यस और नो भाई। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय एनर्जी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, जब ये मान लो, पहले हम ये समझते हैं कि भाई लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एनर्जी अगर हम कहीं सेव कर लें, स्टोर कर लें, तो क्या दिक्कत है, वेस्ट हो जाएगी नहीं तो। तो उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर। समझो जरा कैसे, कि भाई यहां से जो है एक लिक्विड इसके अंदर एंटर करा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है यहां पे, ठीक है। कहां पर, इस लिक्विड की वजह से इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ना, इसको जरूरत नहीं है एनर्जी की, तो यहां से देखो इसका जो ये जो प्रेशर है इसको इसको ऊपर लगेगा स्लाइडिंग रैम के, और ये स्लाइडिंग रैम जो है ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगी। कहां पर, ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगी, और मान लो ये टॉप पे चली गई तो इसके अंदर पूरा लिक्विड भर चुका है, किसके अंदर, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर लिक्विड भर चुका है, अपने अंदर इसने एनर्जी स्टोर कर ली है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब ये रैम, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, बोलो, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर यहां पर जो लिक्विड भर चुका था वो इसको सप्लाई हो जाएगा, किसको, लिफ्ट को, है ना। यहां से तो आ ही रहा है, यहां से तो आ ही रहा था, ये तो जाएगा ही, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी, जो लिक्विड इसके अंदर आ चुका था वो भी क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। तो अब क्या होगी, जो एनर्जी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हुई थी वो एनर्जी किसको सप्लाई कर दी इसने, उसने सप्लाई कर दी किसको, लिफ्ट को, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो आपको जो एनर्जी थी, एक तो मोटर से आपको पंप से मिल गई एनर्जी, दूसरा आपको हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर से भी एनर्जी मिल गई। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो उस टाइम ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो उस समय ये सप्लाई कर देता है, ठीक है। दिखा देता हूं एक बार फिर से, जब एनर्जी की जरूरत नहीं है, है ना, जब एनर्जी की जरूरत नहीं है इस मशीन में, ये लिफ्ट हो सकती है, कोई क्रेन हो सकती है, ये लिफ्ट हो सकती है, ये कोई क्रेन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब एनर्जी की यहां पर जरूरत नहीं है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, यहां पर जरूरत नहीं है, तो ये जो एनर्जी यहां से आ रही थी, यहां से जो लिक्विड आ रहा था पंप से, वो एनर्जी लिक्विड की यहां पर स्टोर हो जाएगी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर, ये ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगा, और जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी यहाँ से सप्लाई हो जाएगी, किसको, लिफ्ट को या क्रेन को, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लो, इसको पढ़ लो एक बार, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज अ डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ यू नो फॉर स्टोरिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी विच में बी सप्लाइड फॉर एनी सडन और इंटरमिटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब जब यह लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो यहां से हम उसको एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक क्रेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन द लिफ्ट और क्रेन मूव्ड अपवर्ड। जब क्रेन या लिफ्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। दिस एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर से हम इस एनर्जी को सप्लाई कर देंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, ठीक, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है पूरा डिटेल में। कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगी इसकी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की, कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं इसका जो एरिया है वो जितना ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो जितनी ज़्यादा होगी,
ठीक है, उस बात पर डिपेंड करेगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, मतलब उसका वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो जितनी इसकी लेंथ होगी सिलेंडर की, स्ट्रोक लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पर जो वेट रखा रहता है, जितना वेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी ये स्टोर कर पाएगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा, जितना इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जितना वेट यहाँ पर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को ये स्टोर कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आएगा आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट देखो ध्यान से, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यस हाइड्रोलिक लिफ्ट सभी जानते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कैरिंग अ पैसेंजर और गुड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, यू नो अनदर फ्लोर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू रेज हैवी वेट्स और हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर लाने के लिए, नीचे लाने के लिए हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ये पास्कल लॉ पर वर्क करती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले। यू नो एक हैवी वेट को अगर उठाना है तो स्मॉल फोर्स से हम उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ। एक क्लोज चैम्बर था, बताया था मैंने, एक क्लोज कंटेनर था, इस तरफ एक स्मॉल प्लंजर लगा हुआ था जिस पर हम स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं और हैवी वेट का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको ऊपर लिफ्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ पे काम करती है। कौन? हाइड्रोलिक लिफ्ट। एंड यू नो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। तो लेट अस डिस्कस डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट फर्स्ट। इसका अगर आप कंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एक फिक्स्ड सिलेंडर है। क्या है यहाँ पर? एक फिक्स्ड सिलेंडर है। इस फिक्स्ड सिलेंडर के अंदर क्या है? एक स्लाइडिंग रैम है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्लाइडिंग रैम है। ठीक, यहाँ पर क्या लगी हुई है? एक केज लगी हुई है। ये केज क्या होती है? केज यू नो ऑन विच द पर्सन मे बी स्टैंड और गुड्स में भी प्लेस्ड। यहाँ पर कोई सामान रख सकते हैं, आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऊपर नीचे आप यहाँ पर इसकी हेल्प से मूव करेंगे। ठीक, कैसे काम करती है ये, इसका वर्किंग जरा एक बार देखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या आएगा? एक लिक्विड आएगा अंडर प्रेशर। यहाँ पर लिक्विड आएगा, उसकी वजह से क्या लगेगा? यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा किसके ऊपर? इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर। मान लो आपको ग्राउंड फ्लोर से जाना है, कहाँ पर? थर्ड फ्लोर पर आपको जाना है। तो यहाँ से क्या होगा? आपने बटन प्रेस करोगे, थर्ड फ्लोर का इंडिकेशन जाएगा, तो वहाँ से मोटर चलेगी और वहाँ से लिक्विड जो है, हाई प्रेशर का लिक्विड इसके अंदर एंटर करेगा और इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। स्लाइडिंग रैम के ऊपर क्या लगाएगा? एक प्रेशर लगाएगा। तो ये स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ जाएगी और वो जहाँ पर भी जाना है आपको, मान लो थर्ड फ्लोर पर जाना था तो वहाँ रुक जाएगी, आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। वापिस ग्राउंड फ्लोर का कोई बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा? फाइनली यहाँ से फिर से जो है लिक्विड, भाई अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ से लिक्विड इसके अंदर एंटर करेगा, आप ऊपर चले जाओगे। ठीक है, आपको अगर नीचे आना है तो यहाँ से लिक्विड को बाहर निकाल दोगे, है ना। आपको थर्ड फ्लोर से आना है, कहाँ पर? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर का जैसे बटन प्रेस करोगे इंडिकेशन जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पर जो लिक्विड भर गया था ये, उस लिक्विड को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देंगे तो स्लाइडिंग रैम नीचे आ जाएगी और आप यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे आकर के। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फिक्स सिलेंडर है, इसके अंदर एक स्लाइडिंग रैम है, एक केज है, है ना। जैसे आप इसके अंदर लिक्विड को सप्लाई करेंगे, स्लाइडिंग रैम के ऊपर प्रेशर आएगा, एक फोर्स लगेगा और ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। लिक्विड को बाहर निकाल देंगे तो ये केज नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है क्या? सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ लो जरा इसको भी। सस्पेंडेड का मतलब है कि यहाँ पर जो केज होती है वो क्या है? वो लटकी रहती है। यहाँ पर आप देखिए, ये केज है जहाँ पर आपको जो है, आप यहाँ पर लटक कर जा सकते हैं, सॉरी मतलब बैठ कर जा सकते हैं, यहाँ पर खड़े होकर के जा सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं किसी वेट का यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है कि पुली के दो पुली यहाँ पर लगी हुई है, इन दो पुली की हेल्प से ये जो केज है ये हैंगिंग हो रखी है, यहाँ पर हैंग हो रखी है। ठीक है, ये सस्पेंड हो रखी है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे एक रोप है इस तरह से, ये हो गई आपकी एक फिक्स्ड पुली। और यहाँ पर आप देखेंगे एक मूवेबल पुली है, यहाँ पर आप देखिए एक मूवेबल पुली है, यहाँ पर एक रस्सी, एक वायर रोप है जो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये इसका कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से। इसको मैं इधर कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर क्या है? एक सिलेंडर है,
बताया मैंने आपको कि एक केज है जो कि लटकी हुई है, दो पुली है यहाँ पर, यहाँ पर एक वायर है, वायर इस तरह से यहाँ पर रैप हो रखी है, ये एक फिक्स पुली है और ये एक मूवेबल पुली है। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्लाइडिंग रैम है, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, एक स्लाइडिंग रैम है, ठीक है। यहाँ पर ये किसके अंदर स्लाइडिंग रैम है, यहाँ पर आप देखिए एक सिलेंडर के अंदर है, ये इस किसके अंदर है, ये एक सिलेंडर के अंदर एक स्लाइडिंग रैम है। अब आप सपोज कीजिए अगर इस रस्सी को आप नीचे, अगर ये रस्सी नीचे की तरफ आएगी तो ये जो केज है ये ऊपर की तरफ जाएगी। आपको मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जाना है तो इस केज को ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि इस रस्सी को नीचे लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब इस केज को ऊपर लाना होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक मान लीजिए आपने सेकंड फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर का बटन आपने प्रेस किया तो यहाँ से लिक्विड जो है इसके अंदर एंटर करेगा हाई प्रेशर का, और एक रैम के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा यहाँ पे। तो रैम के ऊपर जैसे एक प्रेशर लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो ये रैम स्लाइड हो जाएगी इधर की तरफ। ये स्लाइडिंग रैम है ना, ये स्लाइडिंग रैम क्या होगी, इधर की तरफ मूव करेगी। ये मूवेबल पुली है तो ये पुली क्या हो जाएगी, इधर की तरफ मूव करेगी। तो ये फिक्स पुली थी, ये मूवेबल पुली है, तो इन दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक रस्सी इनसे लगी हुई है मूवेबल पुली के साथ, तो ये रस्सी जो है नीचे की तरफ खिंच जाएगी रोप, और ये जो केज है ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, वापस आना है, मतलब इसको लिफ्ट को नीचे की तरफ लाना है, इसको नीचे की तरफ लाना है आपको केज को, है ना। सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे नीचे आना है आपको, तो रस्सी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये रस्सी ऊपर की तरफ कब जाएगी, जब इसके अंदर जो लिक्विड भर चुका था उसको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग रैम जो है इधर की तरफ मूव करेगी, तो ये जो पुली है मूवेबल वो इधर की तरफ आ जाएगी, दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि जो रस्सी है जब डिस्टेंस कम होगी तो रस्सी जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये जो केज है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द यू नो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। टर्बाइन्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक पंप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि इंपल्स टर्बाइन क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ। देन वी हैव सीन यू नो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम यूनिट नंबर 4, दैट इज़ मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम।